नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। तो हमारे टीम में अभी आगे पहुंच चुका है मालिका के एक विशिष्ट स्थान जिसका नाम है छतियाबट। छतियाबट के बारे में मालिका के बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी पोथियों में इसके बारे में जिक्र किया गया है, प्रमाण भी मिलता है। ये वही जगह है युग के अंतिम कालखंड में जब रसिया जगन्नाथ महाप्रभु जी को लेकर जा रहा होगा ट्रेन में। वो इंजन है पाते इंजन, पगला इंजन जो, तो यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है बेरी स्टेशन। बेरी स्टेशन में इंजन टूटेगा, डब्बा अलग हो जाएगा, इंजन अलग हो जाएगा, वहाँ से जगन्नाथ महाप्रभु जी को लेके आएंगे भक्त जो है झाड़ेश्वर महादेव मंदिर। झाड़ेश्वर महादेव मंदिर कड़ई गांव में है, वो पहले भी हमने उसका वीडियो बनाए थे, आपको दिखाए थे। वहाँ पर प्रभु जी रहेंगे 1.5 दिन। झाड़ेश्वर महादेव इसलिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे जो प्रसाद बनता है उसमें नमक नहीं डलता है, और जब महाप्रभु वहाँ पे आएंगे वहाँ से उस दिन से लेकर आगे तक नमक प्रसाद में नमक डाला जाएगा। वहाँ पे जो खीर बनता है वो खीर में नमक डाला जाएगा। वहाँ से प्रभु जी रहेंगे 2 दिन 1.5 दिन, उसके बाद यहाँ पे आएंगे छतियाबट। तो छतियाबट में यहाँ पे बहुत सारे गुप्त कथाएं हैं, जबकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, आप स्मार्ट वॉच पहन के नहीं जा सकते। ब्लूटूथ जो स्पीकर है वो भी आप साथ में नहीं ले सकते। कोई भी मोबाइल जो है वो अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए जो मुख्य जो प्रवेश है वहाँ के बिल्कुल सामने हमने वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे दर्शन करने के लिए बलभद्र महाराज जी। तो बलभद्र जी जो है यहाँ पे आप जो है उनको साक्षात आमने सामने जो है दर्शन नहीं कर सकते। वहाँ पे एक दर्पण लगाया गया है, वो प्रतिबिंब के माध्यम से आप उनको दर्शन करेंगे। ऐसे बहुत सी यहाँ पे गुप्त कथाएं हैं। और क्या क्या गुप्त कथाएं हैं कलयुग के अंतिम कालखंड में, क्या क्या कुछ होगा इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे कान्हू बाबा जी। बाबा जी आपका स्वागत करता हूँ। प्रणाम, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। तो बाबा जी, ये जो हमने यहाँ पे आके पहुँच चुके हैं, ये है छतियाबट। मालिका के बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में जिक्र किया गया है, क्या कहता है आपका रिसर्च? महाप्रभु जी का अंगलागी भक्ति है सिद्ध संत जिसका नाम है हरिदास, संत हरिदास जी। हरिदास में महापुरुष अच्युतानंद का 11 जन्म है, तो ग्रंथ में लिखा है महापुरुष का 11 जन्म है हरिदास। इसका पैदा हुआ चंपापुर के गांव पर है, यहाँ पे बट, इसको कहता है बट महिमा के ग्रंथ लिखा है बट संहिता। जी, वो बट है यहाँ पे जो देख रहा है बट। यहाँ पे जो 300 तक पीछे जो था जागा वो बट था। बट किसे आया है? वो स्नान करने से जगन्नाथ को हर दिन सेवा करने लगा हरिदास। ये सेवा के पीछे में है बट में जगन्नाथ को पहला दर्शन कर लिया, और जगन्नाथ तुझे कह दिया हम तुझे दर्शन देगा कली के अंत समय में, हम तुम्हारा पास जाएगा, तुम क्षेत्र छोड़कर यहाँ पर समाधि लेकर हमको पूजा अर्चन करो। अच्छा, यहाँ का साधन मतलब वहाँ से उस दिन से उनको ये वरदान मिला है कि एक दिन आएगा कलयुग के अंतिम कालखंड में मेरा जब लीलाएं होंगे यहाँ पे मैं बट तल में होगा। अच्छा, यहीं पे होगा, वहीं पे होगा कलयुग के जो अंतिम जो लीला है यहीं पे होगा, वहीं पे होगा। अच्छा, यहाँ पे बट ही था। हाँ, जो बट में वो दर्शन दिया जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र जी सुभद्रा मैया सुदर्शन। तो यो बट वृक्ष के कारण इसका नाम है छतियाबट। जी। और क्या है, जैसे मैं हमने बताया कि प्रतिबिंब के माध्यम से हम भगवान जी के दर्शन करते हैं यहाँ पे। ये जो जगन्नाथ महाप्रभु का दूसरा रूप है बलभद्र भैया ना, बलभद्र भैया का जो दर्शन करेगा कैसा करेगा, सानिध्य पाने के लिए योग अंग में दर्शन करेगा जी। जो योग करेगा, जो जम का नियम है, जम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जो अष्टांग है ना, वो योगी ने वो दर्शन करेगा। भक्त कैसे दर्शन करेगा? कलयुग में क्या पूर्ण अवतार है, पूर्ण अवतार कहाँ पर होगा? वो छतियाबट में होगा। दूसरा जन्म पर इसका नाम छतियाबट रखा है, लेकिन ये इसका पुराण में इसका नाम है धनियागिरी का निकट। अच्छा, यहाँ पर जब 300 साल पर आया वो हरिदास, वो इसके जगन्नाथ के दर्शन के बाद में ये बट तल में इसका नाम हो गया छतियाबट। अच्छा, उसका नाम हो गया छतियाबट, लेकिन उसका पुराना नाम है गिरी के अंदर। अच्छा अच्छा, ये दूसरा कथा है। यहाँ पर एक लीला होगा, भक्त के लिए भगवान लीला करेगा, बंधु महंत के लिए लीला करेगा, भगवान जी भगवान लीला करेगा, दासिया के लिए सागत लीला, भगवान जी तो भक्त के लिए लीला तो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक ताला है, उसका क्या सीन है? ऐसे गुम्फा गंबुज है। हाँ, 42 ताला के तक एक ताला यहाँ पर है। जी, एक गिरी में 42 ताला है, यहाँ पर एक ताला है वो गंबुज ताला है, और वो ताला का चाबी झाड़ेश्वर जो महादेव है, बटवृक्ष है ना,
वो नीचे रहता है। अच्छा, वहाँ पे एक जो बट वृक्ष है, हमने वहाँ पे गए थे, वो वीडियो पे हम दिखाए थे, तो आप विजुअल में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही बट वृक्ष है जिसके नीचे जो है वो चाबी है, वो मालिका में लिखा है। समय आएगा, मालिका में लिखा है कि कलयुग के अंतिम कालखंड में युग परिवर्तन के समय वो चाबी वो बाहर निकलेगा और यहाँ पे आके ये ताला खुलेगा। और क्या क्या रहस्य है यहाँ पे भक्तों के लिए, यहाँ पे क्या होगा? एक कैवल्य पसरा मिल रहा है, जगन्नाथ का जो धर्म अर्थ काम मुख्य है ना पूरी धाम में, कैवल्य पसरा। यहाँ पे गुप्त से हरिदास मांगा, प्रभु तुम्हारा जमते के क्षेत्र है, शंख क्षेत्र, चक्र क्षेत्र, गदा क्षेत्र, पद्म क्षेत्र, जगन्नाथ महाप्रभु का चार ही आयुध में चार क्षेत्र है, वो भी क्षेत्र होगा, वो भक्त लीला क्षेत्र होगा, वो आशीर्वाद कर लिया। अच्छा, निश्चय होगा और समय बनने के कलयुग के अंत में वो होगा, वो अनंत युग में पाए होगा, ये सिद्धि भक्त के हरिदास का पुण्य कलर वाला पुण्य अवयव मेरा होगा, आप यहाँ से लीला करेगा, वो अनंत युग जब आएगा यहाँ से ले गया होगा, ये भक्त युग क्षेत्र है। अच्छा अच्छा, भक्त लीला क्षेत्र होगा, कैसे होगा ना, भक्त लीला के साथ युग होगा, भक्त भगवान का संग जो लीला होगा वो लयांग है, एक ग्रंथ में लिखा है लयांग भोगांग जोगांग सार तथि पर मध्य हुई विचार, उड़िया में लिखा है, इसका हिंदी में है लय में, लय क्या है, दर्शन में, जो दर्शन करेगा वो लय कहता है, जो क्या है प्राणायाम में जो कहता है, पवन जो चल रहा है वो जो कह रहे, भगवान साथ हरिदास मांगा, प्रभु आपके लिए तेरा लिए, तू मेरा भक्त है ना, तेरा लिए हम सब कुछ कर देगा। जी जी जी, जो शंख क्षेत्र, चक्र क्षेत्र, गदा क्षेत्र, पद्म क्षेत्र, जो चार ही क्षेत्र है ना, कलयुग का अंतिम समय में एक एक क्षेत्र होगा। तो जो ओडिया में आप जो बोल रहे हैं तो वो पंक्ति एक बार आप सुना दीजिए, छतिया बटर से गोटे लिखिंट, जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर, महाप्रभु ओडिशा बड़ ठाकुर, प्रभु ब्रह्म राशि कल्प वटवासी कळी कळमुष निस्तार, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरिदास रचनावली अनेक लिखिंट, महाप्रभुंकर अन्यन्य भक्त अन्यन्य सेवक दर्शन सेवक होती हरिदास, हरिदास मागिंट प्रभु यहीटा गोटे गुप्त श्रीक्षेत्र हम केतेदिन हम सात दिन पाई हम सात दिन के भगवान मर्यादा पुरुष जगन्नाथ महाप्रभु मतलब सात दिन के लिए श्रीक्षेत्र बन जाएगा होगा बन जाएगा। जी जी जी, छतिया बटर महिमा अपार के कही पारिब गुण, देव अगचरे लीला चहटिव जाणवे भकत जान, ये ओडिया में लिखा गया है, ओडिया में लिखा है। हाँ। छतिया बटर एमती महिमा अच्छी बटतल महिमा, से बटतल महिमा पाई अनेक दूर भक्त मान आसवे, जेतुआ भक्त मान आसवे जगन्नाथ दर्शन करेंगे, जगन्नाथ महाप्रभु देढ़ दिन रे झाड़ेश्वर पाखे कड़ई पाखे जो अल महाप्रभु के लुण पड़ो, ये स्थान में सात दिन प्रभु लीला करेंगे, भक्त सागे भगवान लीला करेंगे, भक्त सागे भगवान करेंगे लीला, यही कथ रही अच्छी भावरे भला, भक्त पाई भगवान पाई सब लीला करेंगे। हरिदास को यही कथा आशीर्वाद करछंती जगन्नाथ महाप्रभु, यही एक गुप्त लीला हम, ये समय बहु निकट अनंत युग समय आसी पहुँची गले, ये समय रे भक्त मान सब चेतिय भक्त मान सहित प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ भक्त सागर लीला करेंगे महाप्रभु लिखिंटी, युग युग लीला कर होइथिबे प्रभु तुम्भ बांछा कल्पतरु होइबे महामेरु, कोटि कैवल्यनाथ करुणा सगर भृत्यर भृत्य मुई हाड़िया कुमार, हाड़िया कुमार कहते मु आपंकर दासानुर दासर दास हे प्रभु आपण को केवल मु दर्शन करी, से दर्शन पाई सात दिन पाई प्रभु मागिंट जगन्नाथ वरदान करश्चय से काम निश्चय पूर्ण करेंगे, जगन्नाथ समस्त पूर्ण करेणु आसतु प्रेम से प्यार से यही क्षेत्र में समस्त आसिक मिलित हूँ, जगन्नाथ बाना उड़ू सनातन धर्म बाना रहु, गोटे देवता जगन्नाथ देवता तले समस्त मुंड पातंतु, जय जगन्नाथ जय पंचसखा, जय जगन्नाथ जय पंचसखा। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत ही सुंदर आपने कथाएं हमें सुनाए, हमारे भक्तों को अभी आप सुन रहे थे मालिका के रिसर्चर गवेशक और जरत कथा संस्कृति के महान प्रचारक कान्हू बाबा जी को। तो बाबा जी यही बोल रहे थे कि ये जगह है, पवित्र स्थान यही है कि विश्व के बहुत ही देशों से यहाँ पे भक्त जो है आएंगे वो बट वृक्ष के दर्शन करने के लिए, और ये है उसका महिमा, बट वृक्ष जो है अपने और खींचेगा भक्तों को। तब फिर देर किस बात की, अगर यहाँ पे भी आप आना चाहते हैं तो एड्रेस नोट कर लीजिए, अगर आप बाहर से फ्लाइट के माध्यम से आ रहे हैं तो आपको उतरना पड़ेगा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में उतरते ही आपको आना पड़ेगा कटक NH-16 के रास्ते में, वहाँ पे कटक से 20 किलोमीटर दूरी पर यह है छतियाबट, बिल्कुल मेन रोड के बगल में है, वहाँ पे जब आप आएंगे बिल्कुल वहाँ पे स्टॉपेज है, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है और इंडिविजुअल गाड़ी लेके भी आप आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय जगन्नाथ जय पंचसखा।